ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बढ़ते कोरोना काल में जहां एक तरफ पूरे बिहार भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिख रहा है। आज भोजपुर जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा कोरोना काल में विधि व्यवस्था का जायजा लेने सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में सभी जरूरी सेवाओं का निरीक्षण किया। वहीं जिला अधिकारी द्वारा अस्पताल प्रशासन को कई दिशा निर्देश भी दिए गए और कोरोना काल में किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा मुस्तैद रहने के लिए जिला अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को कहा। के द्वारा सदर अस्पताल का अचक निरीक्षण किया गया है, किस लिए किया गया? कोरोना वार्ड के इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है, आगे क्या तैयारी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसी के बारे में। सर ओपीडी के लिए? सर ओपीडी है, ओपीडी आगे चल के हम लोग ओपीडी में ही प्लानिंग कर रहे हैं कि वहीं उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी देख लेंगे तैयारी। ठीक है, थैंक यू। अधिकारी महोदय के द्वारा सदर अस्पताल में निरीक्षण किया गया है, किस लिए किया गया था? यह जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अभी अस्पताल का भ्रमण किया गया और उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए, जैसे उन्हें यह भी दिखाया गया कि हम लोग जो कोरोना वार्ड चला रहे हैं ना, उसी में संतुष्ट दिखे, और एक हफ्ते के अंदर हम लोग इस कोरोना वार्ड को शिफ्ट करने जा रहे हैं ओपीडी कॉम्प्लेक्स में। ये वहाँ पर रंगाई पुताई का कार्यक्रम कार्य हो रहा है ना, और एक हफ्ता में समझता हूँ कि लगेगा। और अभी फिलहाल सर ओपीडी कहाँ चल रहा है? ओपीडी तो अभी चलाया जा रहा है, ओपीडी के विभिन्न विभागों में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है ना। पीपीओटी में जो मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, स्किन, डेंटल, ये पांच विभाग चल रहे हैं। चिल्ड्रेन ओपीडी एसएनसीयू में चल रहा है और लेबर में, लेबर वार्ड में तो मैटरनिटी का जो है विभाग चल रहा है। कहीं कोई भी अच्छा संदेश जा रहा है लोगों में कि पेशेंट भी डिसेंट्रलाइज हो जा रहे हैं, आपस में उन लोगों को डिस्टेंसिंग का भी हो जा रहा है और सभी संतुष्ट हैं। ठीक, थैंक यू सर।